मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है, मेरा पर्सनल है, ये ऑडियंस का नहीं है। आपका जो अभी लेटेस्ट सुपर हिट सॉन्ग था पल पल ना माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, कौन सा मंजन किधर घिसते हैं? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस जो होता है ना, ये वो जो मंजन है, वो मंजन दिल पर घिसा गया, वो मंजन को दिल पर घिसा गया और हर आशिक पिसा गया। हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? ये क्या एंटीना लगा के आगे किस, ये क्या कर रहे हैं? गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे हैं? हम अभी गलती हुई नहीं है, गलती हमसे होगी, उसके लिए माफी मांग रहे हैं। गलती हमसे होने वाली है। क्या है कि हम आपकी तरह लिखते हैं तो हमको एक मौका चाहिए लिखने का। तो आपको मौका चाहिए? जी हाँ। आप गाने लिखते हैं? जी हाँ। आप चाहते हैं अनु जी उसको डायरेक्ट करें? बस जो भी करें, बस हमारा भला करते बस। चलिए बताइए क्या लिखा है आपने, बताइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक्सक्यूज मी, ये पागल ना बनाए आप हमें, ये गाना तो ऑलरेडी आ चुका है। आपने ये गाना हमें सुनाकर क्या प्रूव करना चाहा? मैं हमने कुछ प्रूव नहीं करना चाहता। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमने गाना लिखा है? हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं अनु जी कि ईश्वर हमको शक्ति दो ताकि हम आपको गाना सुना सके। जोड़ो सब हाथ जोड़ो, गाइए गाइए। नहीं, हम तो लिखते हैं, देखिए हमारी कलमें कितनी हैं। गाने का धंधा नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं इतनी शक्ति हमें, हाथ तो जोड़ो। ये कलम भी अभी मुझे लगता है यहाँ जो पड़े हुए माफी मांग रहे हैं आपसे। आप अब मेन लाइन पर आइए, आप इधर घुमा के बात करिए। हाँ, गाना है हमारा ठोको के। गाना कैसे ठोको की थोड़ी है। जो चीज सामने आए सिद्धू जी ठोक देते हैं। हम लेखक हैं, कारपेंटर नहीं हैं। नहीं ठोक सकते की तरह। गाना प्रस्तुत है। हाँ। एक सेकंड अनु सर, आप प्लीज बैठ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे पागल लोग आते हैं, मैं नहीं चाहता आप थक जाएं। हाँ, बहुत पागल आते हैं यहाँ पे, ये तो बात ठीक है। चलिए अभी आप सुनाइए। ना ट्रेन में, ना फूलों में, ना रसोई में, ना रेन में, डर लगता है तो तेरे दिए हुए पेन में। मैंने ना ये आपकी जो चूटियां ना दोनों, हाँ जी, यहां से पकड़ के ना आपको ऐसे घुमा देना है मैंने। ये क्या, ये गाना सुनाया आपने? आप जो है इस पे धुन बनाना चाहेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है? सिचुएशन ये हो चुकी है कि इम्तिहान की घड़ी कभी खत्म नहीं होती जी। हर किस्म के लफ्ज आते हैं और उस पर गाना बनाना पड़ता है। ये फैक्ट जनता वालों को बताना चाहते, बेटा बैठे रहो, यही तबर जगह है। क्या है कि हर लफ्ज पर गाने बनाने पड़ते हैं। एक लफ्ज बोलिए। ना फूलों में, ना ट्रेन में, बस। अच्छा, ये ट्यून अभी बन रही है ना। ना फूलों में, बहुत अच्छी। ना ट्रेन में, बहुत अच्छी। ना बेटा, बहुत अच्छे, बस बोलो। ना फूलों में, क्या लिखा है? ट्रेन में, आगे आगे। ना रसोई में, आप गाओ मत। आप लेखक हैं, आप संगीतकार बनने की कोशिश मत करना। हमने अगली दुनिया में जो लाइन है वो गैस कर ली। फूलों में, ना ट्रेन में, आगे। ना रसोई में, गाओ मत बेटा, बोलो बोलो बोलो। ना रसोई में, ना रसोई में, ना रसोई में, ना रेन में, ना रसोई में, ना रेन में, ना रेन में, सेम तो है। आगे बोलो। दर्द मिलता है तो, दर्द मिलता है तो, वाह वाह, दर्द मिलता है तो, तेरे दिए हुए पेन में, तेरे दिए हुए पेन में, दर्द मिलता है तो, तेरे दिए हुए पेन में, ना लड़ो, वाह वाह, तेरे लिए, तेरे लिए, दर्द मिलता है। कॉन्सर्ट में गाना बहुत मुबारक हो, आपका गाना अनु जी को पसंद आ गया है। थैंक यू, गाना सिलेक्ट हो गया है भाई हमारा। बाबा, ये तो वो सिचुएशन है, उंगली दी तो हाथ पकड़ लिया। गाना सिलेक्ट हो गया है भाई अनु जी, अगली बार जब आप हमको गाना देना तो एडवांस में नोटिस दिया करें, दो दिन का, हमसे इंस्टेंट लिखा नहीं जाता है।